आज हम इस वीडियो में स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया को डिस्कस करेंगे। आजकल जैसा कि आप सबको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में ऑफर लेटर लेना, स्टडी गैप होना, आइट्स के ऊपर लेस स्कोर होना, आपको ऑफर लेटर लेने में मुश्किलात होती हैं। मैं एजुकेशन सेंटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ काम कर रहा हूँ, जो कि ओन करती है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी सिडनी कैंपस को, एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल कॉलेज सिडनी मेलबर्न को, सिडनी को और मेलबर्न को, जेनिथ बिजनेस एकेडमी सिडनी और मेलबर्न कैंपसेस को, और इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल इन सिडनी को ओन करती है। ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जिनने खासकर इंजीनियरिंग की हुई है, बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, आईटी की हुई है, कंप्यूटर साइंसेस की है, और उनका जो गैप है वो राउंड अबाउट 6 to 7 ईयर्स है, और क्योंकि उसको उनको जो है ना एडमिशन्स नहीं मिल रही ऑस्ट्रेलिया में। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो मैं आपको विद इन 48 आवर्स ऑफर लेटर लेके दे सकता हूँ, जिसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपका जो आइल्स है ओवरऑल 6 बैंड हो, बेशक उसमें मिनिमम 5 बैंड हो कोई भी मॉड्यूल, लेकिन ओवरऑल 6 बैंड होना चाहिए। जिन कोर्सेज में मैं आपको एडमिशन्स दिलवा सकता हूँ थ्रू एजुकेशन सेंटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के, उनमें ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इंजीनियरिंग है, ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है, ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप है। इसमें बेशक आपका गैप जो है वो 7 साल हो, 7 साल तक हो, वो एक्सेप्टेबल है। इसकी जो इनटेक है, खासकर इनटेक का होता है कि साल में 2 है या 1 है, 2 है या 3 है, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेंगे तो एवरी मंथ इनटेक में मैं आपका ऑफर लेटर वहाँ से विद इन 48 आवर्स लेके दे सकूँगा। अभी आजकल ये हो रहा है कि जो ये स्टूडेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, ये अगर किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं और उसका आगे कॉन्टैक्ट्स नहीं है कि वो उनको ऑफ़र लेटर लेके दे सके, वो 5 से 6 माह उनके लगा देता है, उनके ऑफ़र लेटर नहीं आते, जिससे उनके एक तो जो स्टडीज़ हैं उसमें हर्ज हो रहा होता है, और दूसरा क्योंकि वीज़ा प्रोसेसिंग है, वीज़ा प्रोसेसिंग में हर्ज हो रहा होता है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा क्योंकि इसके कोर्सेज की जो सेमेस्टर की फ़ीस है वो 10,000 to 12,000 है, इससे आपको जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी कम चाहिए होगी, मीन 22 से 25 लाख की अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट मौजूद है, मीन अगर आपके पेरेंट्स की मौजूद है या आपकी मौजूद है, 90 डेज ओल्ड है, तो बड़े आराम से जो है ना आपका वीज़ा प्रोसेस हो सकता है। अभी अगर आप देखेंगे इस वक्त दुनिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपको अच्छी स्टडीज़ और अच्छी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें थ्रू अ स्टूडेंट वीज़ा, तो उनमें ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ़ द बेस्ट है। तो मेरे ख्याल में अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके कांटेक्ट डिटेल्स जो हैं इस वीडियो में आपको मिलेंगी, और आप किसी भी वक्त मीन्स सुबह 9 से लेकर रात 12 बजे तक, आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। थैंक यू।